Dear students, today we will discuss a very important topic of Science and Technology Part 1, and the name of the topic is Current Electricity, Standard 9th. This is our lecture number 5, Standard 9th, Science 1, Chapter 3, Current Electricity. आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है स्टैंडर्ड 9th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 3rd, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। इस चैप्टर में प्रीवियसली वी हैव डिस्कस लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, 3, 4, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है। इसके पहले के जो वीडियोस है, लेक्चर्स है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखेंगे, ये लेक्चर वीडियो आपको समझने आने वाला नहीं। आपको हर लेक्चर के बीच में लिंक लगाना पड़ेगा। अब आप याद रखेंगे कि चैप्टर नंबर 3rd, करंट इलेक्ट्रिसिटी, This is a very, very, very important chapter for your school exam and for your knowledge. ये chapter बहुत ज़्यादा important chapter है, मैं बार बार लिख रहा हूँ very important. इस chapter के जितने भी videos मैंने बनाए हैं उन videos को अच्छे से देखना है, headphone लगाना है, पूरा video देखना है, क्योंकि ये चैप्टर में जो कंसेप्ट्स आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये पूरे कंसेप्ट्स आपको स्टैंडर्ड 10th, 11th, 12th साइंस जब पढ़ेंगे आप डेली लाइफ में भी, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। इसके पूरे कंसेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपको स्टैंडर्ड 10 में यूज़ करना है, 11 में करना है, 12th में करना है। वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसीलिए इसके पूरे लेक्चर्स देखो, हेडफोन लगाइए, अच्छे से सुनिए, क्योंकि साइंस 1 इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। आपको पता है कि इसमें चैप्टर ज़्यादा है, मार्क्स कम है, 40 मार्क का पेपर होता है साइंस 1, साइंस 2 40 मार्क, चैप्टर ज़्यादा मार्क्स कम, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, कंसंट्रेशन चाहिए। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है, इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, थ्योरी है, समझना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है। और बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं, अच्छा लग रहा है, कोई बेनिफिट हो रहा है, तो आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में, जो बाकी बच्चे दूसरे स्कूल में, क्लासेस में, मैक्सिमम लोगों को आप बताएंगे, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। सो दूसरों को भी बेनिफिट के लिए ये सब चीज़ें आपको करना है। और कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो आप फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे, जो क्लेवर स्टूडेंट होते हैं उनसे फ्रेंडशिप कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए। पढ़ाई का डिस्कशन करना है, कोई बाकी का डिस्कशन आप नहीं करेंगे, क्योंकि साइंस में कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ थ्योरेटिकल, थ्योरी है इसके अंदर में, और थ्योरी से हमें डर लगता है, तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं, अच्छे से सुनिए, पहले हेडफोन लगाइए, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग उन वीडियोज़ को, लेक्चर्स को देख रहे हैं तो। मैं बार बार बता रहा हूँ, इन वीडियोस का, लेक्चर का आप बेनिफिट लीजिए, दूसरों को भी बेनिफिट करिए। तो आपको पता है कि इन स्टैंडर्ड 9 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1, इसके पहले हम लोगों ने बनाया था वीडियोस ऑन चैप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन, थ्योरेटिकल चैप्टर, लेंथी चैप्टर था, सिंपल लैंग्वेज में बनाया, बेनिफिट लीजिए। चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, वर्क एंड एनर्जी, सिंपल चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर,
फोर वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर्स बनाई है, चैनल का नाम लिखा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैक्सिमम लोगों को बताइए, देखिए पहले, अगर खूब मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ रहा है, पर देखेंगे तो समझेगा, हेडफोन लगाएंगे, बार बार बताया जा रहा है, टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आदत डालो, कुछ पोर्शन डिलीटेड है 25%, उसको छोड़कर वो भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है साइंस वन में। उसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर में, ये है आज हमारा लेक्चर नंबर 5, लेक्चर 1, 2, 3, 4। अभी चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको जनरल इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंस यूजेस बताया था, इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, इसके यूजेस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था लेक्चर नंबर 1 में। पोटेंशियल डिफरेंस याद रखिए। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था डिटेल अबाउट करंट, इलेक्ट्रिक करंट, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा पूरा डिटेल। फिर हम लोगों ने पढ़ा, बाद में आगे में जब जाएंगे आप फिर आगे के वीडियोस देखेंगे, उसमें हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा, ओहम्स लॉ क्या होता है। अब ओहम्स लॉ आपको मालूम होना, R इक्वल V अपॉन I इसलिए लिखा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से V हो जाएगा IR, क्रॉस करेंगे R इक्वल V अपॉन I, इसको एडजस्टमेंट करेंगे सो I बिकम V अपॉन R। तो ये हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा डिफरेंस रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल का भी डिफरेंस हम लोगों ने देखा। तो इस चैप्टर के जो प्रीवियस कंसेप्ट है उसका लिंक लगाना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टिविटी, ओहम्स लॉ, ये अच्छे से पढ़ लो, आने वाले क्वेश्चन हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम के लिए। स्टैंडर्ड 9th में हम लोगों ने आपके लिए अलजेब्रा के भी लेक्चर्स बनाए हैं, बेनिफिट लीजिए, देखिए। ज्योमेट्री के भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, अलजेब्रा में हमने बनाया सेट एंड रियल नंबर, ज्योमेट्री में मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं, बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री एंड पैरेलल लाइंस, सिंपल लैंग्वेज, सिंपल नोट्स, इजी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, देखिए पहले, और अगर मज़ा आ रहा है, खुश हो रहे हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को बताइए, बेनिफिट लीजिए। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट, आने वाला है 100% आपके स्कूल में। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड इफेक्टिव रजिस्टेंस, इफेक्टिव रजिस्टेंस फाइंड करना, इफेक्टिव को बोलते इक्विवेलेंट भी बोलते, इफेक्टिव, इक्विवेलेंट, टोटल, तो दो डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। डिराइव मतलब डेरिवेशन, अब ये डेरिवेशन आपके लिए नया है साइंस में, पहली बार पढ़ रहे, अभी आदत डालिए, आगे जब हम साइंस पढ़ेंगे 11th 12th में आपको बहुत सारे डेरिवेशन देखने को मिलेंगे। डेरिवेशंस जैसे ज्योमेट्री में प्रूफ होता है, इट इज़ कॉल्ड डेरिवेशंस, डिराइव करना है, कैसे आया ये बताना है आपको। तो यहाँ अब हम देखने वाले हैं डेरिवेशंस रजिस्टर्स। अब पेपर में कभी लिखा रहेगा 3 रजिस्टेंसेस, कभी नहीं लिखा रहेगा, आपको 3 लेना है, 3 R1, R2, R3, 3 लेंगे आप, ये पैरेलल, ये सीरीज। अब सीरीज का मतलब, इसके पहले भी मैंने बताया था आपको, पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, सीरीज एक के बाद एक, 1, 2, 3 सीरीज एक लाइन में, सीरीज। पैरेलल R1, R2, R3 पैरेलल, दिस इज कॉल्ड पैरेलल, दिस इज कॉल्ड सीरीज।
तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज में आप क्या करेंगे, तीन रेजिस्टेंसेस लेंगे, R1, R2, R3, एक के बाद एक। दो एंड लेंगे CD, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट। ये एक सर्किट डायग्राम है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को पहले कंप्लीट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पेपर में आया, आने वाला है दो में से एक, सर्किट डायग्राम की पहले प्रैक्टिस कीजिए, सीरीज पैरेलल। अब सीरीज में आपको क्या क्या करना है, थ्री रेजिस्टेंसेस पहले बनाएंगे, R1, R2, R3। ये सर्किट पहले कंप्लीट करेंगे। सर्किट करने के बाद यहाँ बताएंगे हम बैटरी, दिस इज बैटरी, प्लस माइनस, बैटरी प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है ये बैटरी। ये की है। नाउ की दो टाइप्स की होती है, एक प्लग की और एक टैप की, दो में से कोई भी एक बताइए। ये प्लग, प्लग बोलते इसको, प्लग करना, प्लग, और इसको टैप। जब हम टैप करेंगे करंट फ्लो होगा, जब हम प्लग करेंगे ऑन होगा, करंट फ्लो होगा। सो प्लग, प्लग करना, प्लग करने से करंट फ्लो होगा, प्लग एंड टैप, दो चीज होती है। यहां मैंने प्लग की बनाया, यहां पे मैंने टैप की बनाया। तो पहले सेल और साइन पे ध्यान देंगे, प्लस माइनस, करंट का डायरेक्शन, करंट फ्लो हो गया। जब हम इसको प्लग करेंगे करंट फ्लो होगा, ये करंट एमीटर, एमीटर, इसका डिटेल पहले के वीडियोस में देखिए। प्लस माइनस, साइन पर ध्यान दीजिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस, करंट का डायरेक्शन, प्लस टू माइनस, ये भी बताया, करंट फ्लोज फ्रॉम प्लस टू माइनस, करंट आए। ये R1, R2, R3, इसके अक्रॉस लगा दिया हमने वोल्ट मीटर, दिस इज होल्ट मीटर, दिस इज एमीटर। होल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताया था। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कंडक्टर। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, करंट मेजर करने के लिए, ये करंट मेजर करने के लिए एमीटर, होल्ट मीटर, बैटरी, प्लग की, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये सब ध्यान देना है। करंट का डायरेक्शन बताने का, बिटवीन टू पॉइंट CD, ये आपको करना है पहले। ये सर्किट बना लीजिए, इसको मार्क्स मिल जाएंगे आपको, इसको मार्क्स है पेपर में। ये अच्छे से बनाइए, स्मार्ट वे में बनाइए, ढंग से बनाइए, पेंसिल रबर स्केल से बनाइए, पेन से नहीं, नहीं बनाना है आपको। पेपर का प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, ढंग से लिखना सीखिए, प्रॉपर अंडरलाइन, हर प्रकार ढंग से लिखना है, और टीचर को इम्प्रेस करना है, खुश करना है आपको, तब मार्क्स मिलेंगे आपको। ये बनाइए। अब आपको एक वर्ड याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन अ सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज है, सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। लेट इसका अलोंग है V1, इसके अलोंग है V2, इसके अलोंग है V3, एंड करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। जो करंट यहाँ से फ्लो होगा, जो करंट R1 में से जाएगा, वही करंट R2 में से जाएगा, वही करंट R3 में से जाएगा। तो किसी ने पूछा सीरीज कनेक्शन का स्पेशलिटी बताइए, तो आपको बताना है सीरीज कनेक्शन में जो करंट R1 में से जाएगा, वही R2 में से जाएगा, वही R3 में से जाएगा, मतलब करंट सेम होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अलॉन्ग V1, R2 के अलॉन्ग V2, R3 के अलॉन्ग V3, सो PD डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, करंट सेम, इतना याद रखो। सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, बस इतना याद रखना है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, इसका मतलब हम लिखेंगे V=V1+V2+V3। अप्लाई ओहम्स लॉ, R=V/I, सो V बिकम IR।
वी को रिप्लेस करेंगे आई आर, दिस इज इफेक्टिव, इसलिए हम लेंगे आर एस, वी वन में लेंगे आर वन, वी टू में लेंगे आर टू, वी थ्री में लेंगे आर थ्री, आई कॉमन, आई कैंसल, तो हमें मिलेगा आर एस इक्वल आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी टू पॉइंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते, इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोल सकते, टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते. एस का मतलब होता है सीरीज, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन. अब किसी ने पूछा सीरीज कॉम्बिनेशन एक के बाद एक क्यों यूज करते, तो आपको बताना है टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज. अब ध्यान दो, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना मतलब करंट डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपॉन है वो. रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब करंट डिक्रीज होगा. तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए, करंट को डिक्रीज करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज. आर एस, एस मतलब सीरीज, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सबका टोटल करना है. दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस आर वन आर टू आर थ्री, लेंगे फाइंड करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन, फोर मार्क. चलो अब देखते पैरेलल का. पैरेलल में फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाएंगे. सेम सेल बैटरी, यहाँ टैप की बनाए, कोई भी बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है. एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता, होल्ड मीटर पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, करंट जब फ्लो होगा, ये करंट का डायरेक्शन है, यहाँ आने के बाद करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इधर गया आई वन, इधर गया आई टू, इधर गया आई थ्री. करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद टोटल करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब करंट डिफरेंट है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. फिर सुन लीजिए, सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, इतना याद रख लो. पैरेलल में करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज अ सेम. ये फिगर कंप्लीट करो. एमीटर एमीटर एमीटर, करंट मेजर करने के लिए कितना करंट फ्लो हो रहा, ये आपको प्रैक्टिस करना है. ये गलत हुआ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए. सर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम सीरीज का अलग है, पैरेलल का अलग है, थोड़ा चेंज है, कुछ चेंज देख लीजिए. करंट इसमें सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट, इसमें करंट डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम. अब लिखा, इन पैरेलल कनेक्शन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम बट द करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट. अब जो डिफरेंट है उसको लेने का, जो डिफरेंट है, यहाँ पीडी डिफरेंट, डिफरेंट को ब्रेक करेंगे, डिफरेंट को ब्रेक करना है. करंट डिफरेंट, आई इक्वल आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल वी अपॉन आई, आई इक्वल वी बाय आर, सो वी बाय आर, वी बाय आर, वी बाय आर, वी बाय आर. यहाँ पे लेंगे आर वन, यहाँ लेंगे आर टू, यहाँ लेंगे आर थ्री, यहाँ लेंगे टोटल आर पी, पी मीन्स पैरेलल. कॉमन लेंगे वी, कॉमन लेके वी को कैंसिल करेंगे. इसमें करंट सेम था तो करंट कैंसिल हो गया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, वी वी कैंसिल. तो यहाँ फार्मूला आएगा वन अपॉन आर पी, वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री. इसको बोलते हैं पैरेलल आर पी, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी. और किसी ने पूछा कि पैरेलल कनेक्शन का यूज बताइए, तो आपको बताना है पैरेलल कनेक्शन इज यूज टू डिक्रीज द करंट. अब डिक्रीज द करंट मतलब इंक्रीज, डिक्रीज द रेजिस्टेंस, बट डिक्रीज द रेजिस्टेंस मतलब इंक्रीज द करंट. फिर सुन लीजिए और एक बार, सीरीज कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंक्रीज रेजिस्टेंस, डिक्रीज करंट.
इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज करंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल इज यूज टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, डिक्रीज द रेजिस्टेंस इंक्रीज द करंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें करंट इंक्रीज करने के लिए पैरेलल कनेक्शन इज यूज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट जो आज तक आपने देखा नहीं, डेरिवेशन साइंस का. मैंने दो डेरिवेशंस बताया, ये आपके स्कूल एग्जाम में आने वाले हैं, इसको इससे इजी नहीं बना सकते. मैंने बहुत कोशिश किया समझाने की, जो स्टूडेंट अच्छे से सुन रहा है, कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहा है, देख रहा है, मेरी बात को समझ रहा है, उसको ये डेरिवेशंस दोबारा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं. सिंपलेस्ट सिंपल लैंग्वेज, इजी नोट्स, इसका बेनिफिट लीजिए, टीचर को इम्प्रेस करिए, फ्रेंड्स को बताइए और अच्छे से पढ़िए. तो सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों को बताएंगे. ये आपके स्कूल में आने वाला लेक्चर है, वीडियो है, इसको कॉपी में नोट करिए, टेक्स्ट बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज. थैंक यू.